नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा कि ऑप्शंस के ऑनलाइन स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो नंबर 15 है जिसका नाम मैंने दिया है फर्स्ट लुक एट ऑप्शंस चेन। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते या तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोगों ने ऑप्शंस के लिए ही पैसा तो बनेगा ने एक अलग एक स्कूल एस्टेब्लिश की है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनकी जर्नी उतनी ही सीरियस होती है जैसे एक डॉक्टर या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। और इसमें जो लोग ऑप्शन में मास्टर होना चाहते हैं उनके लिए अलग तरीके के लेवल्स डिज़ाइन किए हैं, जिसमें आपका फंडामेंटल पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑप्शन का, फिर लेवल टू में आपको स्ट्रेटेजीज सब आनी चाहिए इंप्लीमेंट करनी, सेटअप उसका एडजस्टमेंट और आपको गाइडेंस और सपोर्ट मिलना है। तो ये लेवल में कैसे एंटर होते हैं, क्या आपकी जर्नी रहेगी, कैसे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो और उसमें से इनकम या तो वेल्थ कमा सकते हो, वो मैं वीडियो में जब होगा तब मैं ज़्यादा बताऊँगा। अभी के लिए वीडियो 15 देख लेते हैं कि वीडियो 12 और 13 के बाद हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों पे मूव हो रहे हैं, और उसका जो प्रीवियस वीडियो था वीडियो नंबर 14 उसमें बेसिक चीज़ें देखी। पहली बार हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, बहुत सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज जो ऑप्शन मार्केट में होती है वो देखी। और मैंने आपसे कहा वीडियो नंबर 13 और 14 दोनों में कि हम कुछ इस तरह से सीखेंगे ताकि हमारी क्यूरियोसिटी बढ़े, हमें क्वेश्चन करने का मौका मिले, हमें चीज़ों को जांचने परखने का मौका मिले। तो अगेन इस वीडियो में भी हमारा जो कंसेप्ट है वो हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे कि लेट्स बिल्ड एन ऑप्शन मार्केट। मैंने कहा था ना, सोचना इस तरीके से है कि हम खुद एक ऑप्शन मार्केट बना रहे हो। तो एक चीज थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर हम खुद एक ऑप्शन मार्केट बना रहे हो तो लोगों को एक चीज देनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर जो स्टॉक है या तो पर्टिकुलर इंडेक्स है या तो पर्टिकुलर कॉमोडिटी है उसमें कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, क्या है, उसमें कितना वॉल्यूम है, वो सब कुछ देखना तो पड़ेगा ना। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, ऑप्शंस चेन बोलेंगे। ये टर्मिनोलॉजी तो हमने सीख ली, ये ऑप्शन चेन जो बोलते हैं वो टर्मिनोलॉजी तो हमने सीख ली। अब पहली बार हम ऑप्शन चेन को प्रैक्टिकली देखेंगे, बट ये सिर्फ वीडियो होगा फर्स्ट लुक, हमें सिर्फ देखना है, हमें अभी कुछ समझना नहीं है क्योंकि हम अभी हमारा माइंड अभी रेडी नहीं है, हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पे हम चीज़ों को समझ सके, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इसके लिए मैंने वीडियो का नाम क्यों रखा है कि फर्स्ट लुक एट ऑप्शंस चेन। अच्छा, मैंने ये क्यों डिसाइड किया कि वीडियो नंबर 14 के बाद मुझे एक एक टर्म आपको समझानी थी कि प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, टाइम फैक्टर कैसे इंप्लाई करता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, वो कैसे डिसाइड होती है। मुझे 8 या 10 आप लोगों को टर्म समझानी थी अलग अलग वीडियोस क्रिएट करके। उसकी जगह पे पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको ऑप्शन चेन का एक प्रैक्टिकल लुक बता दूं, क्योंकि हम जो टर्म सीखने वाले ऑप्शन मार्केट में जो इंग्रेडिएंट 4-5 चाहिए होगा अगर हम ऑप्शन मार्केट बना रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था इसके पहले वीडियो में कि हमारे पास 5 या 6 ऐसी मेन चीजें होगी जिसके ऊपर से ऑप्शन मार्केट बनेगा। तो वो जो मेन चीज है वो एक्चुअली ऑप्शन चेन में दिखाई जाएगी लोगों को। तो ये जानना जरूरी बनता है पहले कि पहले थोड़ा सा हम ऑप्शन चेन को देख ले, समझने की तो दूर की बात है। इसलिए इस वीडियो में मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, ना तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन चेन कैसे बनती है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नंबर कहां से आया। विल जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट लुक। गूगल में जाए अपने तो यहां पे टाइप कर सकते हैं कि ऑप्शंस चेन NSE, NSE हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमको सिर्फ यही टाइप करना है ऑप्शंस चेन NSE, जो पहली लिंक आ जाएगी वो लिंक पे क्लिक करो तो इस तरह से ऑप्शन चेन ऐसा खुल जाएगा। देखो, तो ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं आप लोगों को, अभी तक हम यहां पे आए ही नहीं थे। और ये जो पेज आपको जो दिख रहा है उसको हम डिटेल में समझेंगे कुछ और वीडियोस के बाद में, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। बट जो लोग ये पहली बार दिख रहे हैं तो ऐसा डर मत जाना करे यार, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। जो लोग पहली बार ये देखते हैं उनको कई बार डर लगता है, कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऐसा देखा नहीं होता है। पर ये चीज बहुत ही सिंपल है जो कोई एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तो आपको सिर्फ ये इट्स मैटर ऑफ टाइम कि आप ये सीख जाओगे। अभी के लिए ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है, जो निफ्टी है उसको बता रहा है। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में निफ्टी सिलेक्ट किया है और मुझे ऑप्शन दिया है कि अगर निफ्टी देखना चाहूँ या तो कोई एक स्टॉक देखना चाहूँ तो वो स्टॉक का नाम एंटर करके गो कर सकता हूँ मैं। पर अभी के लिए सिर्फ हम निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो एक्सपायरी उसकी बताई है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है ना, उसी तरीके से ये जो हमें ऑप्शन चेन दिख रही है
वो कब की दिख रही है, क्योंकि जो सब कॉन्ट्रैक्ट जो 28 मार्च को एक्सपायर होंगे उसके बाद वाले भी अलग अलग एक्सपायरी है, देखो उसके बाद वाले भी अलग अलग एक्सपायरी है, तो सब एक्सपायरी के अलग अलग आप कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ सकते हो। जैसे मार्केट में जाओ, अगर कोई आपके घर आए कि भाई आप ऑप्शन मार्केट चलाते हो, ओके हाँ, तो वो लोग टाइम फ्रेम के बेस पर ट्रेड करना चाहेंगे कि मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या चल रहा है, अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या चल रहा है, अप्रैल में अलग अलग, क्योंकि निफ्टी में वीकली अभी ऑप्शंस अलाउड है, मतलब हर वीक पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है। देखो 4 अप्रैल बाद में 7 दिन 11 अप्रैल बाद में 7 दिन 18 अप्रैल, तो सॉरी मुझे कोई भी ऑप्शन मार्केट में जाऊं तो उसकी एक्सपायरी डेट की रेंज देख के पता चल जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट में अभी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हर वीक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो सकते हैं, तो मैं एक एक वीक तक का मुझे एनालिसिस करके इसमें एंटर होना पड़ेगा, ना तो एक मंथ का, समझ रहे हो? ओके, एक्सपायरी डेट पे भी हम सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ये सिर्फ एक फर्स्ट लुक वीडियो है। देखो मैंने आपसे बोला था ना कि ऑप्शन मार्केट में ऑप्शन ट्रेड होते हैं तो मेन प्रोडक्ट पे ट्रेड होते हैं, जैसे कि अपने कॉफी शॉप का एग्जांपल लिया था, तो उस पे कॉफी पे ट्रेडिंग होता था, सुगर केन में सुगर पे होता है, तो निफ्टी के ये ऑप्शन है, पर आया तो वो निफ्टी में से ही ना, निफ्टी के ऑप्शन में हम प्ले कर रहे हैं पर वो निफ्टी के ऊपर से लिया गया होगा ना, तो उसको बोलते हैं अंडरलाइंग। अंडरलाइंग का मीनिंग भी हम बाद में समझेंगे, पर इसका मतलब क्या है कि अभी निफ्टी की प्राइस एक्चुअली आउटसाइड ऑफ द ऑप्शन मार्केट 11,451 है, ठीक है। अब देखो कि अब नीचे क्या बता रहा है कि ये सब स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस का मीनिंग मैंने समझाया था ना कि वो अलग अलग प्राइस लेवल होती है, टारगेट प्राइस आपकी होती है जिसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। तो देखो आपको दिखेगा कि मार्केट में लोग अभी भले ना 11,000 निफ्टी चल रहा हो पर 7,600 पे भी लोग टिके हुए, देखो जो लोग बेरिश होंगे वो 7,600 से भी, देखो 7,600 से लेके आपको पॉसिबिलिटी दी जा रही है 14,100 की। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान शांति से सुनना ये सब चीज़ ऐसी करने के लिए। अगर हम नॉर्मल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना तो हम क्या सोचते हैं, बताए निफ्टी 11,400 चल रहा है ना, मुझे लगता है कि वो 12,000 पहुँच जाएगा, मुझे लगता है कि वो 13,000 पहुँच जाएगा, कोई सोचेगा कि नहीं वो 10,000 पहुँच जाएगा निफ्टी, 10,500 पहुँचेगा निफ्टी, ऐसा हम सोचते हैं, राइट। तो ऑप्शन मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं है, जो बंदा ऐसा बोल रहा है कि निफ्टी 12,000 पहुंच जाएगा उसको क्या करना है, नीचे आओ थोड़ा और ये रहा 12,000, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस मतलब टारगेट प्राइस होगी, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, क्यों? क्योंकि आप इसमें मान रहे हो। और जो बंदा बेरिश बोल रहे हो बोले नहीं 10,500, तो वो यहां पर आ जाए। तो ये सब स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंट लेवल क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, वरना बंदा ऑप्शन में ट्रेड कैसे करा, दीज आर ऑल द ऑप्शन दैट ही हैज फॉर द निफ्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी 28 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा उसमें इतने सारे ऑप्शन है। देखो अब कोई 13,000 पे होगा उसका सेंटिमेंट, किसी का 12,600 पे होगा, कोई 14,000 तक भी चला गया होगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और वो चेंज भी होता है, इसमें एडिशन रिडक्शन होता रहेगा बेस्ड ऑन द मार्केट में डिमांड सप्लाई, हर एक स्ट्राइक प्राइस की कैसी। अब यहां से देखो, अब ये कलर चेंजेस क्यों है, यहाँ पे ये व्हाइट है, यहाँ पे पेल येलो है, उसका बाद में रीजन समझेंगे, पर एक बात आपने नोटिस की, ये सब इस साइड पूरे कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉल्स, हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में दो टाइप्स पढ़े थे ना, कॉल्स और इस साइड दोनों उस साइड पुट्स के कॉन्ट्रैक्ट है, देखा कॉल्स और पुट, मैंने बोला था ना पूरा मार्केट डिवाइडेड है दो चीजों में, कॉल और पुट में, ठीक है। अब देखो आप एक चीज कि यहां पे ये जो कॉलम है, ये जो वॉल्यूम है वो देखो, जहां पे निफ्टी के आसपास, अभी निफ्टी कितना चल रहा है 11,400, तो उसके आसपास वाली जो स्ट्राइक होगी, ये सब स्ट्राइक ऊपर और नीचे, वहां पे देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, मिल रहा है ना वॉल्यूम, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, तो हम बाद में देखेंगे ये ओपन इंटरेस्ट क्या, अभी के लिए सिर्फ नंबर्स देख लो, फिर ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करना पूरी ऑप्शन चेन हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जैसे कि 11,500 के सामने यहाँ पे एक हाईलाइटेड चीज है 58.65, वो है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब ये क्या है पता है, कूपन है, ये प्रीमियम है,
11,500 के कॉल में मुझे एंट्री लेनी हो तो मेरा प्रीमियम है 58.65, और 11,500 के पुट में मुझे एंट्री लेनी हो पुट तो 87.65। समझिए, दीज आर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट फी। अब देखो 11,550 तो 37.90, 11,550 का मुझे पुट लेना हो तो प्रीमियम देखो। इस तरह से मैं प्रीमियम देख सकता हूँ और काफी सारी अलग अलग चीजें देख सकता हूँ। ऑप्शन चेन, तो ये होता है ऑप्शन चेन, इसको डिटेल में समझेंगे कि और भी इसका क्या मतलब, आईवी का क्या मतलब होता है, एलटीपी का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, चेंज इन ओआई का क्या मतलब होता है, ओआई का हर एक चीज अपने देखेंगे। पर अभी सिर्फ ये जान लो कि ये डिस्प्ले करवाने के लिए हमको काफी सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे को आपको ये पता चल गया कॉल बुट क्यों, क्योंकि वो आपको पता है, ठीक है। पर जब मुझे पोजीशन लेनी हो, स्ट्रेटेजी लेनी हो, तो मैं यहाँ पे आके देखूंगा, अच्छा अभी 10,000 पे क्या प्राइस चल रही है, तो इसमें एंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना लिक्विडिटी है, कितना वॉल्यूम है, ये सब अलग अलग कलर का क्या मीनिंग है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो वो सबका नॉलेज कहाँ से आएगा बताए। अब हम आने वाले वीडियो नंबर 16 से है कि चीज स्ट्राइक करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, उसमें अलग अलग क्या फैक्टर्स आते हैं, फिर ये प्रीमियम होता है वो कैसे डिसाइड होता है, हर एक चीज सीखेंगे। तो मैंने इसलिए आप लोगों को ऑप्शन चेन बताया क्योंकि ऑप्शन चेन ही ऐसी चीज है कि जिसमें सब कुछ प्लांट किया जाता है लोगों के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो वो आप पढ़ोगे कैसे, जैसे एक नोटिस बोर्ड होता है। अब नोटिस बोर्ड तभी पढ़ोगे, क्रिकेट का स्कोर कभी पढ़ पाओगे कि जब आपको हर एक चीज का नॉलेज होगा, वरना तो कैसे आप स्कोर बोर्ड पढ़ पाओगे। कोई आपको बोलेगा भाई स्कोर बोर्ड पढ़ो तो आपको मालूम ही नहीं होगा। इसके लिए मैंने पहले आपको स्कोर बोर्ड बता दिया कि ऐसा लगता है इसको स्कोर बोर्ड, और काफी लोगों को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर ऐसा नहीं है। एनएससी ने तो ट्राई की है उन लोगों ने कि जितना सिंपल हो सके उतना बताए, ताकि इसमें कोई फीचर, कोई फैशनेबल चीजें नहीं थी, इसलिए जैसे एक्सरसाइज की तरह ही उन लोगों ने बता दिया कि ताकि कोई भी उसको समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसमें इतना ही समझना है, ज्यादा इस चीज को हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। अच्छा, वीडियो नंबर 16 से क्या सीखेंगे, हम एक एक चीज सीखते जाएंगे, एक एक टर्म सीखते जाएंगे, एक एक फैक्टर जो ऑप्शन मार्केट में जरूरी है वो सीखते जाएंगे, बहुत बेसिक तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। बेसिक और प्रैक्टिकल दोनों का हम मिक्सर करते जाएंगे, और एक 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 चीज जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी नेट पे जाके दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि वो चीज दिखती कैसी है, क्या मीनिंग होता है, वो चीज को ढूंढना कहाँ पे है, हर एक चीज हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यही एंड करते हैं, और एंड करने से पहले बता दूं कि अगर आप ऑप्शन की जर्नी में सीरियस और मास्टर होना चाहते हो तो लेवल 1 में आपको अपना फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। बाद में लेवल 2 में आप स्ट्रेटेजीज वगैरह सीखोगे, उसको सेटअप करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, और लेवल 3 में आपको गाइडेंस मिलना चाहिए। तो अगर लेवल 1 में एंट्री लेना चाहते हो तो बहुत फ्री है, उसके लिए हमने एक सॉलिड ऑप्शन कोर्स बनाया हुआ है, tinyurl.com/optionlevel1 टाइप करो ब्राउजर में, एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, वो भर दो तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन का कोर्स, सॉलिड आपको मिल जाएगा। वो करने के बाद आपको टेस्ट देनी है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाद में आप लेवल 2 में एंट्री कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो, अच्छी अच्छी कैसे करनी है, उसका सेटअप, उसका एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है सीखना, ताकि आप इनकम या तो वेल्थ कमा सके। और लेवल 2 में एंट्री होने से तुरंत ही लेवल 3 एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपको गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई क्वेरी हो तो ईमेल एड्रेस पे राइट कर सकते हो, वो व्हाट्सएप नंबर है, और ब्राउज कर सकते हो ये वेबसाइट। ठीक है, चले दोस्तों, आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।